मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 10 चैप्टर 4 इन 10th क्लास ज्योग्राफी का, जो आपका एग्रीकल्चर है। उस एग्रीकल्चर के चैप्टर के बारे में आज आप डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आपने सबने सुन रखा है इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का पोर्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर उसका परसेंटेज अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो हमारे यहाँ पर परसेंटेज जो दिया गया है या जितने हमारे यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका अप्रोक्स 50 to 55% लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है। मतलब कह सके कि उनका जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन है या फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपना जॉब को देते हैं वो एग्रीकल्चर से कंप्लीट होता है। तो एग्रीकल्चर से जब उनका सारे जो काम कंप्लीट होता है तो एग्रीकल्चर को किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है, तो एग्रीकल्चर को उन्होंने अलग अलग तरह से डिवाइड किया है। अलग अलग तरीके से मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है, कौन कौन से मेथड आपके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में और इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे यहाँ पे फार्मिंग के जो टाइप्स हैं कौन कौन सी है। सो लेट मी राइट हियर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में जो टाइप्स की जाती है तो उसमें कुछ प्रोसेस थी ऐसे जो प्रिमिटिव थी, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल टाइम से जो चली आ रही है जो ट्रेडिशनल टूल्स के द्वारा की जाती है, और ट्रेडिशनल टूल्स के द्वारा जो भी हमारे यहाँ पे फार्मिंग का जो प्रोसेस था उसको आपने प्रिमिटिव कहा, या कहें हम इसको प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग में सारे जो टूल्स होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, इसमें हैंड्स लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और लोग अपने जितने भी जो ट्रेडिशनल टूल्स के अकॉर्डिंग इसको क्रॉपिंग करते हैं। इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन यहाँ पे हो गया कि जो लोग जिनको थोड़ा सा ज्ञान था कृषि एक कार्य में या कृषि से जुड़े हुए जो लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी थी उसी जानकारी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो फार्मिंग स्टार्ट की थी वो था एक प्रिमिटिव फार्मिंग। उसके बाद में अगर हम आगे और बात करें तो आगे हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव फार्मिंग में। तो जैसे अगर हम बात करें ट्राइबल सोसाइटीज़ की, जब ट्राइबल सोसाइटी माइग्रेट हो रही थी एक क्लास से दूसरे जगह पे, जब माइग्रेट हो रही थी तो उस टाइम एक एग्रीकल्चर का पैटर्न हमारे यहाँ पे बहुत फेमस था, और वो एग्रीकल्चर का फेमस पैटर्न था उसको आपको कई बार आपने सुनने को मिला होगा या कई बार आपने उसको देखा भी होगा। वही पैटर्न आपको यहाँ पे इस कंटेंट में दिया गया है कि आपके यहाँ पे जो पैटर्न जो यूज़ किया जाता था ट्राइबल सोसाइटीज़ के द्वारा, वो ट्राइबल सोसाइटीज़ के द्वारा जो पैटर्न आपके यहाँ यूज़ किया जाता था वो कौन सा था, उसको बोलते थे आप झूमिंग कल्टिवेशन। झूमिंग कल्टिवेशन कहते थे। अब झूमिंग कल्टिवेशन का क्या होता है, या इसको कहें कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन, तो झूमिंग कल्टिवेशन का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट अ फॉरेस्ट एरिया, देन यू हैव टू कट डाउन ऑल द ट्रीज, आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव ऑल द बिग ब्रांचेज फ्रॉम द फीड एरिया एंड स्मॉल टीनी लीव्स एंड स्मॉल ब्रांचेज दे आर स्टोर्ड देयर, एंड यू हैव टू बर्न देम। रिमेन द एस यू हैव टू स्प्रेड आउट द ऑल एरियाज, एंड वेन यू हैव टू स्प्रेड आउट ऑल द एस इन फ्रॉम फार्म एरिया देन शोइंग योर सीड इन फील्ड, जस्ट वेट फॉर रेन, वेन रेन हैज केम देन योर क्रॉप्स हैज ग्रोन एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी मैच्योर्ड एंड यू हैव टू कट डाउन एंड गेट प्रोडक्ट, एंड वेन सच टाइप ऑफ प्रोसेस हैज कम्प्लीटेड इन वन एरिया, वंस अगेन इफ यू वॉन्ट टू डू सच टाइप ऑफ क्रॉपिंग देन यू वंस अगेन यू हैव टू सर्च पर्टिकुलर फीड, देन सेम प्रोसेस ऑल्सो हेल्ड वंस अगेन इन डिफरेंट एरिया, दिस कंडीशन इज नोन एज झूमिंग कल्टिवेशन। मैं इसको एक छोटे से वापस से बताऊं कि जैसे पहले के जो लोग होते थे फॉरेस्ट एरिया में जाते थे, उन फॉरेस्ट एरिया में जाने के बाद जितने भी जो फॉरेस्ट होते थे इनको कट डाउन कर देते, और कट डाउन करने के बाद जो इनके जो लीव्स होती थी इनकी जो ब्रांचेस होती थी इनको जला देते थे, और जलाने के बाद में इनका बचता था एस को वो वहाँ पे स्प्रेड आउट करते थे, और स्प्रेड आउट करने के बाद जितने भी उनके सीड्स हैं उनको शोन कर देते थे, और शोन करने के बाद जैसे रेनफॉल होता था, रेनफॉल होने के बाद ये सारी यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो आ जाती थी, और क्रॉप्स आने के बाद विद इन 2 ईयर दे विल बी लेफ्ट सेम पर्टिकुलर लैंड। अब जहाँ पे इसने क्रॉपिंग की है वो क्रॉपिंग 2 साल में उन्होंने छोड़ देना होता है, छोड़ने के बाद में वो नई जगह पे जाएंगे तो वही जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को वो काटेंगे, काटने के बाद में इसके जो ब्रांचेज हैं इनकी जो लीव्स हैं उन लीव्स को वो जला देंगे, जलाने के बाद जो इनका ऐस बचता है इनकी जो राख बचती है उन राख को फैला देंगे, फैलाने के बाद वहाँ पे वो सीडिंग करेंगे। इस तरह से वो अगली बार जब नई क्रॉपिंग करेंगे तो अगली जगह पर जाकर वो अपनी क्रॉप्स करेंगे। तो ये वाली जो प्रोसेस है इस वाली प्रोसेस को ही बोला गया है झूमिंग कल्टिवेशन।
इसके अलग अलग नाम है, तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट नेम ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन। तो इसमें फर्स्ट नाम तो आ गया झूमिंग कल्टिवेशन, सेकंड अगर आप लिख सकना हो तो आप लिख सकते हो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद में आप इसको लिख सकते हो ट्रांसफर कल्टिवेशन। और उसके बाद में एक और नाम इसका जो दिया गया है वो लिख सकते हैं उसमें स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। दीज आर फोर नेम ऑफ सेम कैटेगरीज और सेम क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड इन आर ट्राइबल सोसाइटी एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। अगर प्रिमिटिव की अगर बात करें तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उस ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग की जाती थी। और जब हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे में हमारे जो यहाँ पे क्रॉपिंग की जाती थी उसमें आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो था झूमिंग कल्टिवेशन। इसके आपकी बुक में कई अलग अलग नाम भी दिए गए हैं कि अलग अलग पर्टिकुलर जगह पे इसको अलग अलग नेम से भी जाना गया है, जैसे कई जगह पे इसको दहिया बोला गया है, कई जगह पे इसको कॉर्नर बोला गया है, कई जगह पे इसको अलग अलग नाम से इसको जाना गया है, पामा दा भी बोला गया है, कुबरी भी बोला गया है। तो ये सारे सारे जो नेम है ये पर्टिकुलर रीजन पे कौन सी जगह पे इसको किस नाम से जाना गया है वो सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। बट मेन थिंग इज दैट इज झूमिंग कल्टिवेशन, जो इसकी जो मेन थिंग है वो झूमिंग कल्टिवेशन। और झूमिंग कल्टिवेशन आता है आपके प्रीमेटिव में, तो प्रीमेटिव जो पुराने लोगों के द्वारा जो उनकी जो ट्रेडिशन थी उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हो, या आप कहें कि जो पुराने लोग अपनी आजीविका को कंप्लीट करने के लिए जो भी उगा रहे थे, जिससे भी अपनी जीवन को कंप्लीट कर रहे थे, वो सारा सारा प्रिमिटिव में झूमिंग कल्टिवेशन आता है। ओके, उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे हमारे यहाँ पे जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल सब्सिस्टेंस और कमर्शियल सब्सिस्टेंस। इंटेंशियल कह सकते हो या इसको सब्सटेंशियल भी कह सकते हो। ये जो क्रॉपिंग होती है, इस क्रॉपिंग के अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको और भी अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो सस्टेंस क्रॉपिंग भी कह सकते हो इसको। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए क्रॉप्स कर रहे हो, आप अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए क्रॉप्स कर रहे हो। सपोज दैट आप स्टार्टिंग में आपका क्या हो, स्टार्टिंग में आपके पास छोटा सा लैंड है और आपके पास किसी तरह से कोई मॉडर्न टूल्स भी नहीं है, मॉडर्न टेक्निक्स भी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या करना होता है, अपनी फैमिली की नीड को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। उस फैमिली की नीड को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो आपके फार्म एरिया में जिस तरह की आप क्रॉप्स कर सकते हो, उस क्रॉप्स के करने से आपकी फैमिली की नीड्स कंप्लीट हो रही है। या फिर हम कहें कि इस वाली जो क्रॉप्स है, इस वाली क्रॉप्स में सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट किया है, और इस फैमिली की नीड को जब आपने कंप्लीट किया तो उस फैमिली की नीड को जब कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें आपने छोटे छोटे जो आप जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो किया था वही ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी आप इसी तरह का यूज कर रहे हो। तो आपका मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ कि क्या क्या मेथड हुआ। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें लिखा है मैंने प्रिमिटिव फार्मिंग हो गई, जिसके बारे में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिमिटिव फार्मिंग का एग्जाम्पल हो गया ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा जो की गई थी वो झूमिंग कल्टिवेशन। दूसरी जो अगर हम बात करें तो दूसरा जो एग्जाम्पल आ रहा है वो आपके पास में आ रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आप एक और नाम से बोल भी सकते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कह सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो इंटेंसिव फार्मिंग कह सकते हो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कह सकते हो। इसमें आपने अपनी फैमिली की नीड को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जो भी रोजमर्रा की जरूरत है उसको कंप्लीट करने के लिए इस तरह की क्रॉपिंग की है। थर्ड टाइप की अगर बात की तो वन हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड में अगर बात की तो थर्ड की अगर बात की तो उसमें आता कमर्शियल कमर्शियल क्रॉपिंग। तो कमर्शियल क्रॉप्स कह सकते हो, कमर्शियल एग्रीकल्चर कह सकते हो इसमें। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना क्या होगा, या इसको आप किस तरह टर्म से समझ सकते हो। कमर्शियल में ये होगा कि जितने भी आपके टोबैकोज है, जितनी भी आपके टीज गार्डन है, या आपके जितने भी जो प्लांटेशन है, वो सारे सारे एग्जाम्पल होते हैं कमर्शियल क्रॉपिंग के। वो सारे सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, कमर्शियल क्रॉपिंग के। कमर्शियल क्रॉपिंग में इसके पीछे जो रीजन था,
या इसको उगाने के पीछे जो उद्देश्य है इनका वो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप आपकी फैमिली नीड को कंप्लीट करने के साथ साथ जो सरप्लस एग्रीकल्चर है या सरप्लस जो आपका प्रोडक्शन है उस सरप्लस प्रोडक्शन को आप सेल आउट कर रहे हैं। यू हैव टू सेल ऑल द कमोडिटी व्हिच हैज रिमेन्ड एंड इट इज एक्स्ट्रा इट इज सरप्लस प्रोडक्शन देन यू कैन सेंड टू मार्केट और यू कैन सोल्ड टू मार्केट दैट्स व्हाई यू कैन गेट अर्निंग। वही यहाँ पे कमर्शियल में आएगा, जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको बेचने के बाद जो इनकम आ रही है उससे आप अपनी नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं या आपकी जो आगे जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से है, एग्जाम्पल में आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते, टी हो गया, कॉफी हो गया, ओके, शुगर कैन हो गया, उसके साथ टोबैको हो गया, ये सारी सारी जो चीजें हैं ये सारे सारे जो एग्जांपल आ रहे हैं आपके किसके आ रहे हैं, कमर्शियल क्रॉपिंग के आ रहे हैं। ये सारे सारे जो एग्जांपल आ रहे हैं ये कमर्शियल क्रॉपिंग के आ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे प्लांट बनानाज के जो प्लांटेशन देखे होंगे आपने साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो आपने बनाना की क्रॉपिंग देखी होगी या बनाना के प्लांटेशन देखे हैं तो उनमें क्या देखा था, उनमें आपने देखा था कि बड़े बड़े फार्म एरिया होते हैं, उन फार्म एरिया में एक ही तरह की क्रॉप्स की जाती है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको जो कमर्शियल क्रॉप्स होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, उस कमर्शियल फार्मिंग में बड़े बड़े एरिया होते हैं, बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते हैं, फार्म लैंड्स में आपने क्या करना होता है, एक ही तरह की क्रॉप्स करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा होने के बाद जितनी भी आपकी नीड्स उसको आप अपने सेव के लिए रख लिया, जैसे आपने वन ईयर में कितना आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, वन ईयर में आपकी कितनी जो ग्रोथ है या वन ईयर में कितना कंजप्शन कर रहे हैं वो तो आपने रख लिया, उसके बाद जो सारा सारा बचा है उसको आपने सेल आउट कर देना होता है। तो इस तरह की जो क्रॉपिंग होती है ये आपके आसाम में, आंध्रा सॉरी नॉर्थ बंगाल में और जो आपका जो कर्नाटका है, ये साउथ वाली जो रीजन्स है उनमें आपको इस तरह की जो क्रॉप्स है वो आपको मेनली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आपकी ट्राइब्स ऑफ क्रॉप ट्राइब्स ऑफ फार्मिंग हो गए, तो ट्राइब्स ऑफ फार्मिंग के बाद जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो नेक्स्ट कंटेंट आता है आपका क्रॉपिंग पैटर्न, कि आपके यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न के लिए मैं आपको ये बोर्ड हटा देता हूँ, तो उसमें मैं नए कंटेंट है उसको मैं आपको बताऊँ कि क्रॉपिंग पैटर्न में आपको करना क्या होगा या क्रॉपिंग पैटर्न में क्या क्या होता है। तो बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि आपके यहाँ पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, वही आपको यहाँ पे इंडिकेट करने होते हैं, वही आपको यहाँ पे शो करना होता है। जैसे मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली बात करने पे आपके यहाँ पे रबी की क्रॉप की जाती है, खरीफ की क्रॉप की जाती है और थर्ड वन इज जायद की क्रॉप की जाती है। तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इनके एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग इन क्रॉप्स को कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो रबी क्रॉप्स में हमारे यहाँ पे मोस्टली जो इसका सीजन होता है वो होता है विंटर, ठीक है। और विंटर सीजन होने के साथ साथ में अगर बात करें खरीफ की तो खरीफ का होता है समर, समर सीजन में। और जो ट्रांजिशन पीरियड होता है या ट्रांजिशन पीरियड नहीं कह सकते, तो जो छोटा सा गैप होता है इन क्रॉप्स के बीच में, उस गैप में ही आप जायद की क्रॉप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप अपनी नोटबुक में एक छोटा सा टेबल भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। उस फ्लो चार्ट में आपको करना क्या होगा, उस फ्लो चार्ट में आपको सबसे पहले जो कॉलम बनाना होगा इसमें लिखोगे क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स लिखने के साथ साथ में आप उसमें लिखोगे फर्स्ट पॉइंट पे रबी लिख दिया, सेकंड पॉइंट पे आपने खरीफ लिख दिया, थर्ड पॉइंट पे आपने लिख दिया जायद, और जायद ये लिख दिया। लिखने के बाद में उसका एक अगला कॉलम होगा, उस कॉलम में आप लिखोगे सीजन। तो सीजन में जैसे आप बताओगे कि रबी की क्रॉप कौन से सीजन में होती है, विंटर में हो गई, खरीफ की क्रॉप कौन से सीजन में होगी, समर में हो गई, और ये जो जायद की क्रॉप्स होगी वो कौन से सीजन में होगी, वो होगी गैप में, ओके। ये हो गया सीजन। अब सीजन के साथ साथ में अब रबी की क्रॉप में कौन कौन से ग्रेंट्स आते हैं, कौन कौन सी फसलें आती है, तो उसके बारे में आप लिखोगे। इसमें जो ग्रेंट्स आते हैं या कौन कौन से अनाज आते हैं उसके बारे में जब आप लिखोगे, जैसे रबी की क्रॉप की बात करें तो इसमें हो गया वीट, हो गया राइस, हो गया, और उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रैम हो गया, मस्टर्ड हो गया, इस तरह की। और जैसे अगर खरीफ की बात करें तो ज्वार हो गया, मिलेट्स हो गया,
मैथ्स हो गया, ये सब कुछ हो गया। और जायद की अगर बात करें तो जायद में आपके यहाँ पे जितने भी जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो सारी सारी आपकी जायद में आती है, ठीक है। अब बात करें कि रबी की जब आपने जो क्रॉप्स पैटर्न यूज करना है और क्रॉप्स पैटर्न को जब आप लिख रहे हैं तो क्रॉप्स पैटर्न को लिखने के साथ साथ में आप इनके रीजन्स भी बना सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, ठीक है। ये सारा का सारा फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में मेंशन करोगे। इस फ्लो चार्ट से आपको क्या होगा कि जितनी भी जो आपकी क्रॉप्स है वो क्रॉप्स कंप्लीट हो जाएगी, और क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स कौन कौन से सीजन में उगाई जाती है, क्या उनकी कंडीशंस है, ये सब कुछ आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर में आपको 2 से 3 फ्लो चार्ट बनाने गए। पहला फ्लो चार्ट तो था आपका क्रॉप्स का कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती है। दूसरा आप जो फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं तो वो भी क्रॉप्स का ही होगा, पर इस क्रॉप्स में और इस क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होगा। इस क्रॉप्स में तो आपने ये लिखा है कि रबी की होगी, खरीफ की होगी, जायद की होगी, उसमें आप लिखोगे मेनली जो आपकी ग्रेन्स मिलते हैं आपके, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, और उसके बाद में मैजे हो गया, मिलेट्स हो गया, और ये सारी सारी जितनी क्रॉप्स हैं उसके बारे में आपको फ्लो चार्ट बनाएंगे। जैसे आगे आगे जैसे कोई अपना नया कंटेंट चलेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा ये फ्लो चार्ट आपको किस तरह से बनाना होगा। तो वापस हम बात करते हैं, जैसे रबी की क्रॉप की बात करें तो रबी की क्रॉप की बात करें तो मैंने अभी जैसे फ्लो चार्ट जब बना रहे थे तब भी मैंने आपको बताया और अब भी वापस से बता देता हूँ। रबी की क्रॉप के लिए आपको विंटर का सीजन चाहिए होता है, इसमें जो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो अक्टूबर से नवंबर तक के टाइम होता है, वहाँ पे स्टार्ट होती है, और मार्च और अप्रैल तक का जो टाइम होता है वहाँ तक ये कंप्लीट हो जाती है। इसका टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बिल्कुल मॉइस्ट होता है, सनी टेम्परेचर होता है, और इसका एक बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। आगे इसके अगर बात करें तो खरीफ की जो क्रॉप्स होती है तो खरीफ की क्रॉप्स की अगर बात करें तो खरीफ की क्रॉप्स का जो सीजन होता है वो समर सीजन होता है, और समर सीजन में आपने स्टार्ट कब से करना होता है, समर सीजन में आपने इसको स्टार्ट कर देना होता है अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई से स्टार्ट होने के बाद में ये जुलाई अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए रेनफॉल ज़्यादा होना जरूरी है, टेम्परेचर भी हाई होता है, और रेनफॉल हाई हो गया, टेम्परेचर भी हाई हो गया, और एलुवियल सोइल हो गया, ये सब कुछ इसके लिए हो गया। ये ट्रांजिशन पीरियड हो गया, ट्रांजिशन पीरियड कभी भी इन दोनों के बीच में जो गैप लगे उस गैप में आप किसी तरह की कोई भी क्रॉप्स कर रहे हैं, किसी तरह को कोई वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, वो सारा सारा इस क्रॉपिंग पैटर्न में यूज होता है। तो इसमें भी आप दोनों तरह के क्रॉप्स कर रहे हैं, जैसा अभी आपने पढ़ा था कि आपके जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है कि उसमें आपने प्रिमिटिव पढ़ा, सब्सटेंशियल पढ़ा, और उसके साथ साथ में आपने कमर्शियल किया, तो वो सारे सारी ये भी इसी में भी आते हैं, वो चीज़ें इसमें भी आती हैं। तो ये सारी जैसे जैसे आप पढ़ोगे कंटेंट, जब आप बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ आपको जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो चीज़ें आएंगी आपको नज़र कि इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है। ये तो हो गया क्रॉप्स का पैटर्न कि क्रॉप्स का पैटर्न किस किस तरह से होगा। अब आपको यहाँ पे जो नया फ्लो चार्ट बनाना होगा वो नया फ्लो चार्ट आपको किसके पे बनाना पड़ेगा कि आपके इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं। तो मैं इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे बना देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से इजी वे में अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा कि क्या था मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो मेजर क्रॉप्स में सबसे पहला जो आता है आपके यहाँ पे वो आता है वीट। अब इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनाओगे, इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको वही टेबल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको शो आउट करना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी नोटबुक में इसको मेंशन करना पड़ेगा। जब मेंशन ना कर रहे हो तो मेंशन करने के लिए आपको वही पैटर्न आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने लिखोगे क्रॉप्स, क्रॉप्स आपने लिख लिया तो क्रॉप्स में फर्स्ट कंडीशन पे आपने जो लिखा है वो लिखा है वीट, और वीट लिख दिया तो वीट लिखने के बाद में आपको सबसे पहले इसमें क्या दिखाना होगा, इसमें दिखाना होगा आपको सीजन, ठीक है। सीजन के साथ साथ में आपको इसको दिखाना होगा कि रेनफॉल, रेनफॉल के बाद में इसको दिखाओगे आप यहां पे टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद में आप इसमें दिखाओगे सीजन हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, और कौन सी क्रॉप्स में ये आती है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप इसमें क्या लिखोगे, जैसे अभी सबसे पहले जो आपने एग्जांपल लिया वीट का, मेजर क्रॉप्स में सबसे पहला जो आपका कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है वीट का, तो इस वीट के एग्जांपल में क्या लिखोगे, वीट के जो सीजन में क्या लिखोगे। तो सीजन जैसे अभी बताया, जैसे वीट का सीजन कब होता है, वीट का सीजन होता है हमारे यहाँ पे विंटर,
तो विंटर सीजन हो गया यहाँ पे। रेनफॉल अगर बात करें तो रेनफॉल इसको कितनी चाहिए होती है, रेनफॉल आपको अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए होता है। अगला कंटेंट आ रहा है 20 टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है, तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। और उसके बाद में अगला कंटेंट आ रहा है, अगला कंटेंट क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि वीट की क्रॉपिंग कौन सी में होती है, रबी में होती है, खरीफ में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे कि रबी की क्रॉप में इसका पैटर्न यूज किया जाता है। तो इसी तरह से आप जितनी भी जो टेबल्स बना रहे हो, मतलब जितना भी ये जो फ्लो चार्ट है, और फ्लो चार्ट में जितनी भी आपकी बुक्स में जो जो मेजर क्रॉप्स दी गई है उनके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। सेकंड नंबर पे आता है मिलेट, थर्ड पे लिख दोगे यहाँ पे मैज, फोर्थ पे जो भी आप यहाँ पे जो रिमेंट्स आ रही है उन सभी को आप यहाँ पे लिखते रहोगे। तो उससे क्या होगा कि जब ये फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में बना के तैयार कर रहे हो, तो फ्लो चार्ट बनाने का मतलब हो गया कि एग्जाम में आपके 6 नंबर है वो आपको कंप्लीट वे में आ गए। एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसी बेस्ड आते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन किस बेस्ड आते हैं, वो आपकी क्रॉप्स पे आता है। क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, उसमें सीजन कितना होता है, रेनफॉल कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, क्रॉप्स कितना होता है, ये सब कुछ मेजर करोगे, ये तो 4 मार्क्स हो गया। प्लस में जो 2 मार्क्स होते हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी इसी से रिलेट होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये फ्लो चार्ट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसको करना है तो 6 मार्क्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो 6 मार्क्स का जो आपको मैंने जो बताना है वो मैंने बता दिया कि 6 मार्क्स आपको किस तरह से गेन करने थे। मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स में भी आपको यही करना होगा कि सीजन क्या होता है, सीजन आपका यहाँ पे लिखोगे मिलेट्स कौन से में उगाया जाता है। मिलेट्स होता है खरीफ की सीजन में, और खरीफ के सीजन में उगाने के साथ साथ में अगर हम आगे इसकी बात करें तो इसको टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितना चाहिए होता है, रेनफॉल इसको 25 डिग्री सेंटीमीटर के अप्रोक्स में, 25 डिग्री नहीं होता यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में इसको टेम्परेचर चाहिए, 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर तक इसका टेम्परेचर हो गया, और सॉरी रेनफॉल हो गया। टेम्परेचर अगर बात करें तो टेम्परेचर इसका जो होता है वो ही होता है अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया। और बात करें कि ये कौन सी फसल में उगता है, कौन से सीजन में उगता है, तो ये भी विंटर सीजन में ही उगता है। विंटर में होगा नहीं होगा, ये होगा समर सीजन में, आपके समर सीजन में ये इसको कंप्लीट किया जाता है। समर सीजन में कंप्लीट करने के बाद जब विंटर जब स्टार्ट होता है तब तो ये पक के तैयार हो जाता है, अपने यहाँ पे खाने के लिए आ जाता है बाजरा। आगे करते हैं मैज की, मैज का मीन हो गया मक्का। तो मक्का की अगर बात करें तो मक्के के लिए भी आपको इसी तरह का प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा कि आपको कौन से सीजन में इसको उगाना है, रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, क्रॉप्स कितनी, क्रॉप्स का पैटर्न कौन सा है, ये सारी सारी चीज़ें आपको जब बुक में आप कंटिन्यू करोगे तो वो सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में एक जो चीज़ रह गई थी वो आपको मैं और बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ आपकी यहाँ पे रह गई। इस पर आप यहाँ पे लिखोगे फोर्थ है, सो ये अगला कंटेंट लिखा के यहाँ पे लिखोगे रीज़न। अब रीज़न का मीन यहाँ पे क्या आया, रीज़न का मीन यहाँ पे ये आया कि वीट की जो क्रॉप आपने ऐसे ऐसे जो आपने फिक्स कर दी है कि विंटर की हो गई 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेंटीमीटर इसको रेनफॉल हो गया, इसका टेम्परेचर ये हो गया, क्रॉप्स का पैटर्न ये हो गया। अब रीजन का मीन यहाँ पे, रीजन का मीन यहाँ पे ये आया है कि कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से स्टेट्स में, कहाँ कहाँ पे वीट की क्रॉप्स की जाती है। तो वीट की क्रॉप्स करने के लिए आप जो एग्जाम्पल देने जा रहे हो, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और उसके बाद में कर्नाटका हो गया, तो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं ये उसके रीजन में आएंगे। ठीक है, मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स में आप लिखोगे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इस तरह के जो रीजन्स हैं वो आप इसमें लिखोगे। मैथ्स के बारे में अगर बात करो तो जैसे जैसे आप चैप्टर कंटिन्यू करोगे तो चैप्टर कंटिन्यू करने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ्स आपको कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है। तो मैथ्स आपको आंध्र प्रदेश में हो गया, तेलंगाना में हो गया, कर्नाटका में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, ये सारी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उगाई जाती है। और इसके अगर टेम्परेचर की बात की तो इसके टेम्परेचर में भी वही हो गया 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। रेनफॉल की अगर बात करें तो रेनफॉल इसमें मोस्ट रेनफॉल चाहिए होता है, और ये भी खरीफ की क्रॉप में उगाया जाता है। कौन से क्रॉप में उगाया जाता है, मैज, ये खरीफ की क्रॉप में उगाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पे जो अगली क्रॉप्स दी गई है वो है पल्सेस। अगली क्रॉप दी गई है पल्सेस, दाल,
दाल की अगर बात करें तो दाल में हमारे यहाँ पे कई तरह की दाल होती है, अरहर की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, उड़द की दाल हो गई, ये इस तरह की जो दालें आती हैं, इस तरह का जो पल्सेस आ रही है उनके बारे में आप यहाँ पे दिखा रहे हो। तो इसमें अगर बात करें कि हमारे यहाँ पे जो पल्सेस का रिकॉर्ड है या पल्सेस की स्ट्रेंथ की बात करें, पल्सेस का जो स्टॉक है वो कितना है, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया से किया जाता है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है। तो इसके साथ साथ में ये प्रोटीन का भी रिच सोर्स है, पल्सेस जितनी भी होती है ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन का रिच सोर्स है। रिच सोर्स होने के साथ साथ में हमारे यहाँ पे इसको आगे उगाया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अगर इसकी बात करें पल्सेस, तो पल्सेस में सबसे जैसे अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न इसका रबी हो गया, ठीक है। रबी होने के साथ साथ इसमें उगाने वाले जो रीजन्स है वो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, और उसके साथ साथ में इंडिया के कई पार्ट है जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसमें आपके पल्सेस को ग्रोन किया जाता है। और फर्टिलिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जैसे फर्टिलिटी की अगर बात करें तो मैंने अभी यहाँ पे रीजन्स बताए, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्रोन किया जाता है, इसको उगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ये फ्लो चार्ट आपकी नोटबुक में बना लिया है, चार ही आपकी क्रॉप्स हैं जिसमें व्हीट हो गया, मिलेट हो गया, मैज हो गया, पल्सेस हो गया, इन चारों क्रॉप्स को अगर आपने यूज़ कर लिया या आपने इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपने बना लिया है, तो बनाने के साथ साथ में आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है कि ये फ्लो चार्ट जैसे बनके तैयार हो जाता है, इसको आप अपने नज़रों के सामने इसको बार बार लाओगे, इसको बार बार देखोगे, तो देखने में ये होगा कि मुश्किल से आधा पेज पे जो फ्लो चार्ट बनाया, उस आधे पेज पे जो फ्लो चार्ट बना उससे आपको 6 नंबर कंप्लीट हो गए। इसमें आपकी क्रॉप्स कौन कौन सी है, सीजन कौन कौन सा है, रेनफॉल उनको कितना चाहिए होगा, टेम्परेचर उनको कितना चाहिए, कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग ये उगाई जाती है और उनका रीजन कौन सा है, ये आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका इसी से कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मैंने एक इससे पहले वाला जो फ्लो चार्ट बनाया है, वो फ्लो चार्ट में क्या था, उस फ्लो चार्ट में ये था कि आपके यहाँ पे जो क्रॉपिंग की टाइप्स है वो कौन कौन सी थी, तो वो भी इसी से रिलेट था। उसमें आपने क्या लिखा था कि रबी की क्रॉप्स कौन सी थी, खरीफ की क्रॉप्स कौन सी थी, जायद की क्रॉप कौन सी थी, और आप इसमें क्या लिख रहे हैं कि रबी की क्रॉप्स में क्या आता है, खरीफ की क्रॉप्स में क्या आता है, और रबी की क्रॉप्स में क्या आता है, जायद की क्रॉप्स में क्या आता है, वो सारा सारा हो गया। टेम्परेचर आपको ये हो गया, तो कहने का मीन ये हो गया कि ये जो चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड पे होने के साथ साथ आपको इस तरह के जो फ्लो चार्ट है आपको बनानी पड़ेंगी। साथ साथ में आगे जैसे आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ में आपका जो नया कंटेंट आता है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, कि हमारे यहाँ पे जो कई क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको हम खाते हैं, जिनको ग्रेन्स में लिया जाता है, और कुछ ऐसी होती है जिनको हम स्पेशली इसलिए उगाते हैं, इसलिए उनको ग्रेन करते हैं, स्पेशली इनको हम इसलिए प्रोडक्ट करते हैं जिससे कि हम उससे अर्निंग ले सके। क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था, तो चैप्टर स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे क्रॉप्स के कौन कौन से पैटर्न यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी टाइप की आपकी फार्मिंग की जाती है। तो टाइप्स की जब फार्मिंग की गई, तो मैंने आपको बताया जिसमें प्रिमिटिव हो गया, एक हो गया सब्सिस्टेंस हो गया, और सब्सिस्टेंस के बाद में आपने लिखा था कमर्शियल। तो ये प्रिमिटिव में तो मैंने आपको बताया था कौन सा, प्रिमिटिव में तो एग्जाम्पल दिया था आपने झूमिंग कल्टिवेशन का, चलो ठीक है वो हो गया। अगर बात करें हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपने क्या कहा था कि वो क्रॉप जो आपकी नीड्स को कंप्लीट करती है, वो क्रॉप जो आपके कंजप्शन को कंप्लीट करता है, वो क्रॉप्स जिससे कि आपकी आजीविका चलती है, तो वो क्रॉप्स कौन कौन सी आ गई, ये क्रॉप्स के सारे सारे पैटर्न जो मैंने आपको बता देना है वो बता दिया है। और उसके बाद आपकी जो क्रॉप्स बची है वो बची है कमर्शियल। तो कमर्शियल के बारे में मैंने आपको जब कमर्शियल का कंटेंट मैं आपको बता रहा था, उस टाइम भी मैंने ये बताया था कमर्शियल में क्या किया जाता है, कमर्शियल में प्लांटेशन होते हैं बड़े बड़े, और कमर्शियल में जब प्लांटेशन होते हैं तो प्लांटेशन में क्या होता है कि बड़े काफ़ी लंबे चौड़े फार्म एरिया होते हैं, और उन फार्म एरिया में एक ही तरह की प्लांटेशन की जाती है, एक ही तरह के पेड़ों को उगाया जाता है, एक ही तरह की क्रॉप्स की जाती है। तो उसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आप बार बार में आपने जो बैरियर्स लगाए हैं, जहाँ पे आपने बार बार में आपने जो मेड़बंदी की है, एक तो उसमें जो कंज्यूम होने वाली जो लैंड है वो कम हो जाएगी, दूसरी बात एक ही पैटर्न में जब उसको यूज़ किया जाएगा तो उसमें आपका प्रोडक्शन भी बूम होगा। तो सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है सुगर कैन का इसमें एग्जांपल आता है। सुगर कैन जो अपने यहाँ पे गन्ना होता है, इसका यूज़ क्या होता है, हमारे यहाँ पे राइस प्रोडक्शन, सॉरी हमारे यहाँ पे जो सुगर कैन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बूम होता है। इससे आपको क्या क्या मिलता है सुगर कैन के प्रोडक्शन से, या सुगर कैन की जो क्रॉप्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक तो सुगर मिलता है,
एक आपको खांडसरी मिलता है, एक आपको जगरी मिलता है, और जितने भी जो आपके स्वीट्स होते हैं वो इसी से होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और थी, यहाँ पे आपने एक राइस को और छोड़ दिया है, वो राइस भी आपका आता है, तो राइस भी आप इसमें देख लेना, राइस को भी आप इसमें कंप्लीट कर लेना, वो जो छूट गया था, ठीक है। शुगर कैन की अगर बात करें तो शुगर कैन में क्या होता है, शुगर कैन आपके यहाँ पे एक इफेक्टिव कमर्शियल है, और इफेक्टिव कमर्शियल क्रॉप्स होने के साथ साथ इसमें क्या क्या चाहिए होता है, शुगर कैन में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है, एक तो होता है हमीड क्लाइमेट की, किसकी जरूरत होती है, एक तो होता है हमीड क्लाइमेट की। दूसरा अगर बात करें कि टेम्परेचर, टेम्परेचर वही हो गया जैसे आपने यहाँ पे लिखा है वीट में, और राइस का भी जो होता है वो राइस का भी इतना ही होता है 27 या लिखो 25 डिग्री सेल्सियस की, दोनों लिख दो तो दोनों भी काम चल जाएगा, तो वही टेम्परेचर यहाँ पे भी होता है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो इसको रिक्वायर्ड होता है, ओके। उसके साथ साथ में अगर बात करें थर्ड वाली जो कंडीशन आती है, वही पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, थर्ड वाली कंडीशन होती है रेनफॉल की, तो रेनफॉल अगर बात करें तो रेनफॉल इसमें कितना चाहिए होता है, तो रेनफॉल इसमें लिखोगे 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, इसको किसकी जरूरत होती है, रेनफॉल की जरूरत होती है। फोर्थ वन आपने क्या लिखा कि कौन से पैटर्न में यूज किया जाता है, तो इसका जो शुगर कैन होता है, ये शुगर कैन मोस्टली आपके रबी की क्रॉप में कंप्लीट की जाती है, मोस्टली आपके यहाँ पे रबी की क्रॉप में जरूर कंप्लीट की जाती है। चलो इसको भी आपने यहाँ पे रबी क्रॉप्स के बारे में लिख दिया। अब इसमें और क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, और फिफ्थ नंबर पे आप यहाँ पे लिख दोगे कि ह्यूमन हैंड्स की जरूरत ज़्यादा होती है, ह्यूमन हैंड्स का मतलब, हैंड्स का मतलब अगर आप और सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो इसको लिख लेना लेबर, ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ह्यूमन लेबर की इसलिए जरूरत होती है कि जब आपने शुगर कैन की क्रॉप्स करनी होती है तो उसमें सबसे पहले तो आपने अपने पूरे फार्म एरिया को पानी से कवर कर देना होता है, और पानी से कवर करने के बाद में उस जो क्ले सैंड है उस क्ले सैंड में जाके आपको अपने हाथों से उगाना होता है। कितना हो गया, शुगर कैन में जब आप बात कर रहे थे तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट या ह्यूमन हैंड्स की जरूरत होती है, ह्यूमन हैंड्स में मतलब लेबर्स की जरूरत हो गई, और उसके बाद में जो सारी सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। इसके साथ साथ में जैसे वो लास्ट वाला जो कंटेंट बचा है उसमें था रीजन, कि रीजन कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे, तो रीजन आप इसमें लिखोगे तेलंगाना, तेलंगाना के साथ साथ में आप इसमें लिखोगे आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और कर्नाटक हो गया, और तमिलनाडु हो गया, ये सारे सारे जो साउथ वाले जो रीजन है वहाँ पे शुगर कैन की क्रॉप्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, इसमें आपने जो देखे हैं इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।